आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। 9 दिन तक गुजराती बाबा करेंगे कठोर तपस्या जगत कल्याण के लिए। धरगांव नवरात्रि का पावन पर्व न सिर्फ भक्ति और आस्था का समय होता है, बल्कि ये वह समय है जब साधक अपनी साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही साधक की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने अपनी अनोखी साधना के माध्यम से समाज के कल्याण की दिशा में एक विशेष योगदान दिया। इन गुजराती बाबा के नाम से प्रसिद्ध 42 वर्षीय जगदीशानंद गुरु कल्याण दास जी महाराज जी के द्वारा नवरात्रि में 9 दिन तक कठोर तप के साथ दिनांक 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से ग्राम धरगांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर उमिया माताजी गेट रोड क्षेत्र में निर्माणाधीन श्री बाबा श्री श्याम सावरिया मंदिर के परिसर में नवमी तक समाधि में रहकर मां भगवती की आराधना करेंगे। इन संत के द्वारा गुरुवार को समाधि स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार की सहायता से राजेंद्र पांड के द्वारा सपत्निक पूजा पाठ हवन किया गया। इसके बाद समाधि ले रहे संत के द्वारा दोपहर के 12:30 बजे समाधि ले ली। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों के द्वारा शामिल होकर समाधि स्थल पर भजनों की प्रस्तुति दी गई। उन्होंने कहा कि हम साधु हैं जो जगत हित कल्याण के लिए समाधि लेते जमीन में और उसके ऊपर माँ भगवती की बाड़ी स्थापित करते हैं, समाधि लिए रहते हैं। इन 9 दिन तक खाना पीना सब बंद करके माँ के भजन करते हैं। इन भजनों से जगत का कल्याण होता है। जगदीशानंद महाराज जो मूल रूप से गुजरात के निवासी है, पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से साधना ले रहे हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म एकजुट रहे और देश में चल रहे गलत प्रकार के युवाओं के द्वारा किए जा रहे व्यसन से मुक्ति मिले, इसी से जगत का कल्याण करना है। शारदीय नवरात्रि के दौरान महाराज जी ने विशेष प्रकार की साधना की। इस साधना में वे 9 दिन तक जमीन के भीतर रहेंगे जहां उनके ऊपर गेहूं के जवारे बोए गए। समाधि के दौरान उनका सिर बाहर रहता है जबकि पूरा शरीर जमीन के अंदर रहता है। इस दौरान वे निर्जला उपवास करते हैं व दिन में सिर्फ 2 चम्मच नींबू पानी लेते हैं और पूरी तरह से देवी की साधना में लीन रहते हैं। इनका मानना है कि इस साधना से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इन संत के द्वारा जमीन में समाधि लेकर आराधना पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 20 से 25 बार समाधि ले चुके हैं। व्यवसायी से बने वैरागी जगदीशानंद जी ने बताया कि वे मूलतः गुजरात के निवासी है। उनका परिवार व्यवसायी है। उनके मुंबई एवं गुजरात में मॉल है। उनके परिजन ये व्यवसाय संभालते हैं। उम्र के साथ सांसारिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जगदीशानंद जी ने विवाह भी किया। उनके 2 पुत्र एवं 1 पुत्री है। परिवार गुजरात के तारापुर आश्रम में रहता है। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए धरगांव से नीलेश जैन की रिपोर्ट।